हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए खुशबू रसोई की चैनल को और बेल आइकॉन को दबाएं डिलीशियस एंड टेस्टी रेसिपी सबसे पहले देखने के लिए। वेलकम टू माय चैनल खुशबू रसोई की। आज मैं बनाने जा रही हूँ कच्चे आम का छुंदा। तो आए देखें हमें किन चीजों की जरूरत है। कच्चे आम, शक्कर, गुड़ शक्कर, तेज पत्ता, रेड चिली पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर, हरी इलायची शक्कर के साथ पिसी हुई, उसी इलायची के छिलके, मगज, सौंफ, नमक और दालचीनी। यह मैंने कच्चे आम लिए हैं, इसे मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। वॉश करके इसका छिलका निकाल के इसका कद्दूकस कर लिया इस तरह से। ये देखिए, इस बात का आपने ध्यान रखना है कि मैंने गुठली नहीं डाली, गुठली को निकाल लिया है। अब गैस ऑन करके मैंने कढ़ाई में सबसे पहले कद्दूकस किया हुआ आम डालेंगे। गैस को स्लो फ्लेम पे ही रखें। अब हम इसमें शक्कर डालेंगे। आम और शक्कर को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जैसे जैसे शक्कर मेल्ट होने लगेगी, आम का कलर भी चेंज होने लगेगा। और ये देखिए, शक्कर ने पानी भी छोड़ दिया है। अब हम इसे गाढ़ा होने तक पकाएंगे। आप इसे लगातार चलाते रहें। ये देखिए, आम का छुंदा गाढ़ा हो चुका है और आम का कलर भी चेंज हो गया है। अब हम इसमें गुड़ शक्कर डालेंगे, इलायची शक्कर के साथ पीसी हुई, लाल मिर्च पाउडर, सौंफ, भुना हुआ जीरा पाउडर, दालचीनी, इलायची के छिलके। वही इलायची के छिलके हैं जिस इलायची को हमने इस्तेमाल किया है। मगज और तेज पत्ता। अब हम इन सब को अच्छी तरह से मिला लेंगे और इसे 4-5 मिनट तक हम इसे पकाएंगे ताकि सारे मसाले हमारे इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। यदि आपके पास गुड़ शक्कर ना हो तो आपने इसकी कोई टेंशन नहीं लेनी, आप गुड़ को क्रश करके भी डाल सकते हैं। ये देखिए कितना सुंदर दिख रहा है। जितना दिखने में सुंदर है, खाने में भी उतना ही टेस्टी है। ये आम का छुंदा आप रोटी, पराठा, पूरी, ब्रेड के साथ खाएं, बहुत ही टेस्टी लगता है। ये आम का छुंदा बिल्कुल मैंगो जैम की तरह दिख रहा है। इसे बच्चे भी बड़े ही प्यार से खाएंगे। अब हम इसमें नमक डालेंगे, इसे भी हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। ये देखिए कितना सुंदर दिख रहा है। ये जितना दिखने में सुंदर है, खाने में भी उतना ही टेस्टी है। ये आम का छुंदा आप रोटी, पराठा, पूरी, ब्रेड के साथ खाएं, बहुत ही टेस्टी लगता है। दिखने में बिल्कुल भी ये मैंगो जैम की तरह दिख रहा है। बच्चे भी इसे बड़े चाव से खाएंगे। अब हम इसमें नमक डालेंगे, नमक को भी हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे। ये आम का चटपटा छुंदा रेडी हो गया है। आप इसे कांच की बर्नी में भर के रखें और साल भर खाते रहें, बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। और इसे घर पे जरूर बनाएं और सारे परिवार को खिलाएं। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स भी जरूर करें। खुश रहें और अपना ध्यान रखें और मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।